नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। जैसा कि जानते हैं, भारत चुनावों का देश है और झारखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल यहां पर बज चुका है। अब देखना यह है कि नए नवेले चेहरों के और कद्दावर नेताओं के बीच में इस बार जनता किस ओर अपना रुख मोड़ती है। कई मुर्गे दारू और जातिवाद के नाम पर वोट पड़ता है या फिर विकास की एक नई लहर यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव का क्या रुख है। यहाँ पे मौजूद प्रत्याशियों से बात करते हैं और सारी चीज़ों का जायजा लेते हैं। मौजूद है प्रखंड सहअंचल कार्यालय भवन के सामने और यहाँ पर नामांकन हो रहा है वार्ड और मुखिया के सभा तमाम प्रत्याशियों का। और हम भी यहाँ पहुँच गए हैं आपको खबर दिखाने की किस तरीके से दो दो मिनट में यहाँ पर लगने वाले जिंदाबाद के नारों के बीच में विकास की क्या पहल है, क्या सच्चाई है। देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जिस तरीके से है, पता चल रहा है कि भाई पूरा गाँव लेकर कुछ लोग यहाँ पर उमड़ आए हैं। और हम भी चलते हैं अंदर और कोशिश करते हैं कि अंदर जाकर जायजा लिया जाए माहौल का। यहाँ पर नामांकन के लिए लोग लगातार आए हैं। बाहर की भीड़ हमने आपको दिखा दी, अब हम मौजूद हैं ब्लॉक के भीतर और यहाँ देख सकते हैं कि पूरे लाइन में लगकर यहाँ पर तमाम प्रत्याशी अपना नामांकन कराने जुटे हुए हैं। यहाँ पर तमाम तरह के वादों के बीच में आज सारे लोग अपना भाग्य आजमाने जुटे हैं। बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। कहाँ से लड़ने का सोचे? भदरिया पंचायत। कहाँ से? भदरिया पंचायत से। क्या समस्या लग रही है, कैसे, क्यों लग रहा है कि चुनाव में खड़ा होना पड़ा? इससे पहले भी खड़ा हुए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है। पहली बार है। और क्यों खड़ा होना पड़ा, क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या है कि काम नहीं हो रहा है, आम पब्लिक परेशान है जी, इसीलिए। और जब आप आएंगे, मान लीजिए आपको चुनाव जिता देती है जनता, क्या बदलाव लाएंगे, कौन सी काम को सबसे पहले कराने का प्रयास करेंगे? नहीं, जनता की नज़र में जो सबसे पीछे काम है सब वही उठाने का काम करेंगे सबसे पहले। बात करते हैं आपसे, क्या नाम हुआ आपका? भारत भूषण प्रसाद। कहाँ से लड़ने का सोचा? पांडू बथान पंचायत। पांडू बथान में क्या समस्या है सबसे बड़ी सर वहाँ की? शिक्षा, पानी, यही सब का समस्या है। और क्या लग रहा है, जनता का सपोर्ट कैसा है? क्या पूरा सपोर्ट है, 15 साल रहा, कुछ काम नहीं किया। क्या बदलाव, क्या बदलाव की आएगी घड़ी? वार्ड में बुढ़िया है, पेंशन है, ये सब बहुत सा नहीं मिला है, वही सब काम करेंगे जनता का। और भी यहाँ भीड़ जो है, यहाँ लगातार देख सकते हैं नामांकन की यहाँ जो प्रक्रिया है, लोग लगातार निर्वाची पदाधिकारी के ऑफिस के सामने मौजूद हैं और लगातार अपने यहाँ पर महिलाएं भी बहुत सारी खड़ी हैं, जानते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा भारती। कहाँ से लड़ रहे हैं? मच्छर सिमटा पंचायत से। और क्या परेशानी हुई मैम आपके इलाके में? बहुत परेशानी हुई। क्या और कैसे सोच रहे हैं, निवारण कैसे होगा? हमारा निवारण होगा कि हम सोच रहे हैं कि मैं मुखिया पद पे खड़ी होकर के मैं गरीबों का निवारण करूंगी। और कैसे, मतलब माने जनता आपकी बात पे भरोसा कैसे करे 5 साल बाद? बहुत सारे फील्ड पे मैं काम कर चुकी हूँ, मैं गरीबों को मतलब वृद्धा पेंशन में करवाई हूँ, बहुत को जैसे विधवा पेंशन करवाई हूँ, और मैं समाज के लोगों को जो निरंजन कुमार ठाकुर जो हमारे मच्छर से मर्डर पंचायत के जो उसका मर्डर हो गया था, उनकी पत्नी को मैंने अपना उसको सरकारी मुआवजा दिला करके उसको सरकारी नौकरी दिलवा कर करके अभी डीसी ऑफिस में जो है वो सर्विस कर रही है, उसका नाम कनकलता कुमारी है। और जितने भी भाई बंधु हमारे फंस जाते हैं उसको मैं जहाँ तक होता है सेवा के बल से। पहली बार लड़ रही है? नहीं, ये हमारा सेकेंड उम्मीदवार। पिछली बार का नतीजा था कि बस मैं 60 वोटों से हार गई थी, हमारे जो विपक्षी थे वो मतलब बोल रहे क्या कि प्रतिमा भारती बैठ गई है जी। तो यहाँ पर दोबारा से चुनाव लड़ने हैं। और भी महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूनम देवी। कहाँ से लड़ रही हैं? बठंडा पंचायत। और क्या परेशानी आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी? परेशानी क्या होगा, परेशानी हम लोग तो आगे बार उठे ही थे, 125 वोट से हम लोग हरे थे, ठीक है ना, तो फिर हम दूसरी बार चांस लिए हैं। जनता को क्या तोहफा मिलने वाला है आपके जीतने का? जीतेंगे तो जरूर मिलेगा जी। मिलेगा कैसे नहीं? और लोग वादों को भूल जाते हैं क्या, जनता कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, एक बार जनता हमको देगा तो जरूर हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना जी। यहाँ देख सकते हैं लगातार हल्लों और भी लोग ले लेते हैं। हम आगे उठाना चाहते हैं कि महिला का दल को, महिला सशक्तिकरण को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि महिला का कोई काम अगर पुरुष के पास साथ जाते हैं तो उसका सुनवाई नहीं होता है। महिला अगर जहां मुखिया होगी तो महिला अपने से आकर के संपर्क कर सकती है और वो काम हो सकता है। हमारे साथ यहाँ कुछ पत्रकार बंधु भी हैं जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत और अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतने आए हैं। क्या नाम हो सर आपका? बस नरेंद्र है, मैं काफ़ी समय से इलेक्ट्रॉनिक न्यूज में काम करके देख चुका हूं और देख रहा हूं कि पंचायत में किस तरह से अनियमितता, भ्रष्टाचार फैली हुई है और
जो एक्चुअली जो ग्राम सभा होना चाहे वो पंचायत चुनाव की रीढ़ होती है ग्राम सभा, वो ग्राम सभाएं कहीं कहीं नगण्य होती है, केवल लोग घर में जा जाके जो ग्राम सभा को दस्तखत कराने का काम करते हैं वो हम लोग चाहते हैं कि धरातल पर लाने का प्रयास करें। ये एक हम लोग किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं चुनाव? मुखिया के लिए लड़ रहा हूँ, पंचायत मुखिया के पद के लिए नामांकन कर रहा हूँ, और ये हम चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअली है ग्रामीणों को हक अधिकार दिलाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास जो हमेशा अक्सर जो हम लोग कैमरे में और अखबारों माध्यम में देने कर वो हम लोग धरातल में उतारने का एक प्रयास करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जी। और कैसे देख रहे हैं, क्या समस्याएं आएंगी अभी जो अगर चुनाव जीत जाते हैं, सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपके सामने? नहीं, ये तो समस्या है, लोग पहले जो सिटी कैंडिडेट है वो लोग काफ़ी है, अभी इस चुनाव में काफ़ी दल बल का प्रयोग वो लोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, लोगों के मशक्कत रहती है कि हम किस तरह चुनाव जीतें, उसके लिए जो हथकंडा अपना होता है वो हथकंडा अपनाते हैं लोग। अभी आप पिछले बार देखें अभी भी देख रहे हैं लोग दल बल का पूरा प्रयोग करने का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो यहाँ बात की हमने और यहाँ तमाम तरह के लोग मौजूद हैं और अपने किस्मत को आजमाने का काम यहाँ पर चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार भगत। कहाँ से लड़ रहे हैं? गोठंडा पंचायत। और क्या परेशानी आपका क्षेत्र का सबसे बड़ा? अभी सब परेशानी कुछ नहीं किया है ना, पहले जो था ना वो कुछ नहीं किया है जी। और इंदिरा आवास के नाम पर 2200 रुपया करके लिया है वो, और आज तक सूची में नाम नहीं, सबको टाइप कर दिया था कंप्यूटर वाला और उसको टांग दिया पूरा पंचायत में, करीब 450 आदमी का पैसा ले लिया वो। आज जीतने के बाद क्या करिएगा सबसे पहला काम? जीतने के बाद जितना गरीब है जितना काम होगा गरीब का सब किया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। कई लोग जीतने के बाद स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं पहले दिन। स्कॉर्पियो हम लोग पहले से खरीदे हैं, स्कॉर्पियो पहले से खरीदे। क्या नाम हो आपका? ललन यादव। ललन यादव कहाँ से लड़ रहे हैं? बंजवारा घाट। बंजवारा घाट से। और क्या परेशानी आपके क्षेत्र की सर? क्या पहली बार लड़ रहे हैं? पहली बार लड़ रहे हैं। क्या परेशानी ऐसी आ गई कि लड़ना पड़ गया? पहले जो मुखिया बना अभी तक जो जाल मीनार नहीं लगाया गया अभी मेरा गाँव में जी, और जो है हर तरह से गरीब गुरबा का इंदिरा आवास का पैसा 5000 घूस लेके खा जाता था मुखिया पंचायत समिति सब। अब की बार जो हम गरीब सबसे गरीब प्रत्याशी मुखिया में हम खड़ा हुए हैं, ये सब देखते हुए कि अब की बार जो है ये सब का भ्रष्टाचार को मिटाना है और देश को बचाना है। और भी खड़े हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। कहाँ से लड़ रहे हैं सर? हम बड़ी कल्याणी पंचायत से। और क्या परेशानी है बड़ी कल्याणी में? काफ़ी परेशानी है, 7.5 साल हम ऐसे गुजारे जैसे लगा के 7.5 घंटा गुजार दिए, और दिन रात अगला बार मम्मी को खड़ा किए थे, लेडीज सीट था, तो 22 दिन का इलेक्शन में हमने जो है सेकंड स्थान प्राप्त किया था। और विगत हम प्रण कर लिए हैं कि गरीब लोगों को जो ऐसा काम करेंगे ताकि गरीब लोग ही समझेंगे कि क्या है, और विगत 7.5 साल हम 7 घंटा की तरह निभाए हैं। हाँ, चाहे 24 घंटा हमने काम किया और हर तरह का उनका पोल खोलने का काम किया, केस मुकदमा से लेकर उसका हर चीज़ ओपिनियन करने का काम किया। लेकिन नामांकन के समय हर कोई जो है गरीब गुरुओं की बात कर रहा है, नामांकन चुनाव जीतने के बाद क्या लगता है कितने लोग करेंगे? हम आपको ये संदेश देना चाहेंगे, लोग जीतेंगे तब करेंगे जी। लोग तो पहले अस्थायी रूप से बैठते नहीं है, जनता के बीच में घूमते नहीं है, गरीब लोग जो उसका घर आते हैं ठकठकवाने के लिए तो केवाड़ी नहीं खुलता है। विगत हमने 7.5 साल पब्लिक को ये बताया और रहे हैं, यह हमने कुर्बानी दिया। लगातार यहाँ पर बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादों के बीच में यहाँ चुनावों का नामांकन प्रक्रिया यहाँ चल रहा है। देखना है आने वाले समय में ये चीज़ें किस तरीके से रूप लेती हैं, लोग अपने वादों को याद रखते हैं या फिर वही पुराने ढर्रे पर ये समाज लौट जाएगा। यहाँ पर एक राजनीतिक जोड़ी भी यहाँ दिखाई दे रही है, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। कहाँ से लड़ रहे हैं? कनवाड़ा से। क्या पहली बार लड़ रहे हैं जी? क्या परेशानी रही इस मतलब इलाके में जो कि चुनाव लड़ना पड़ा? शिक्षित करना है, इलाके को शिक्षित करना है, जो जो वहाँ कमी है सभी को पूरा करना है। और अभी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली चीज़ क्या करने वाले हैं? शिक्षित करना, अपने समाज को सही करना है, जो जो वहाँ कमी है सभी को सही करना है। साथ में आपके पतिदेव भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृष्ण कन्हैया हुआ। और सर क्या कारण रहा इस बार चुनाव में पत्नी को उतारे, महिला सीट है जी, ये सीट आरक्षित है जी, जिला परिषद का भी सीट आरक्षित है जी, तो महिलाओं को मौका है तो महिला को हम आगे कर रहे हैं कि ये कुछ समाज में जो महिलाएं को शिक्षित हैं आज क्या कहता है वो दक्यानुसी, ये सब जो मतलब अविश्वास बात है वो सब जो ख़त्म करना है, इसलिए महिलाओं को आगे आके चुनाव लड़ना चाहिए और समाज को, एक महिला अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, इसी कारण महिला को हम आगे कर रहे हैं। कनवारा क्षेत्र की क्या समस्याओं पर नज़र जा रही है आप लोगों की? हमको सिंचाई के मामले में कनवारा को हम लोग टॉप पर ले जा सकते हैं और वहाँ स्वास्थ्य का भी जो समस्या है उसको भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, और वहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत शहर से इतना नज़दीक होते हुए शिक्षा का स्तर थोड़ा कमज़ोर है, उस पर हमारे जनप्रतिनिधि पहले जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे पाए, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त करना चाहते हैं, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो हम लोग ठीक कर ही सकते हैं।
देख सकते हैं लगातार तमाम तरह की बातें हो रही है, तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। देखना आने वाले समय में इन वादों का क्या हश्र होने वाला है, किस तरीके से लोग इन वादों को याद रखते हैं, या दोबारा से 5 साल की वही बंदरबाट यहाँ पर शुरू होने वाली है। एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ राज, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।